आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। पवन सिंह मुर्दाबाद, 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 पवन सिंह मुर्दाबाद। अरे पुतला ला, अरे पुतला बागले विधानसभा के विधायक श्री पार सिंह कन्नौजी ने नगर पंचायत परिणाम आने के बाद, जहां चुनाव हुए थे उस हॉल से निकलने के बाद, पूर्व मंत्री माननीय दीपक भैया के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसका कोई कारण नहीं था, किस कारण से उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए वो हम उनसे पूछना चाहते हैं। आज दीपक भैया का उस विधानसभा से एक दिल का रिश्ता था। उस विधानसभा में ना दीपक भैया ने उस पंचायत में ना टिकट मांगा किसी के लिए, ना प्रचार करने गए, क्योंकि वो सब घर के लोग थे। आज जो भी दो लोग चुनाव लड़े वो भारतीय जनता पार्टी के थे, इसमें भैया का कोई लेना देना नहीं था। पर वहाँ के एक पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने जो संवैधानिक पद है उसको लेके हमारी जनता के बीच में दीपक भैया कार्यकर्ता के रूप में, बागली के कार्यकर्ता के रूप में मान सम्मान को ठेस पहुँचाई है। इसलिए आज हमने उग्र आंदोलन करके उनका पुतला दहन करा। यही सब कल हम बागली विधानसभा में भी होगा, हर जगह होगा, और हम उनसे हिसाब मांगे कि आपने किस कारण से मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, और वो माफ़ी मांगे भैया से। हम इसकी शिकायत प्रदेश के संगठन को करेंगे, जिला अध्यक्ष को करेंगे, जिला प्रभारी जी को करेंगे, संगठन मंत्री को करेंगे, मुख्यमंत्री को करेंगे, और बहुत हुआ तो हम गाड़ियां भर के भोपाल भी कूच करेंगे इनके खिलाफ। हमेशा से विवादित में रहे हैं ये, और कई बार ऐसी बातें से नजर आई है, कुछ ऑडियो भी रिकॉर्डेड में आए हैं जिसमें इन्होंने पार्टी अनुशासन को ध्यान में नहीं रखा है। तो ये निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से भी कई बार हमको जानकारी मिली है, कार्यकर्ता से इनका व्यवहार किस प्रकार का, ये सभी प्रकार से जानते हैं आप। हम सिर्फ न्याय चाहेंगे कि ये भैया से माफी मांगे, और इसके लिए हम उग्र आंदोलन भी करने को तैयार हैं। सार्वजनिक रूप से आधाई लगी, माफी भी सार्वजनिक मांगेंगे। भैया माफी।